हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन का, और उसमें टिफ़िन में देने वाली हूँ चीले। तो ये लौकी और खीरे के चीले हैं। मैंने लौकी रखी थी और खीरा ककड़ी भी रखी थी, तो उनको दोनों को मैंने कद्दूकस कर लिया और बेसन में डाला। वही नमक मिर्ची हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा अजवाइन जीरा और हरा धनिया डालकर इस तरीके से उनके लिए चीले बना दी। हल्का सा नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि लौकी में नमक कम पड़ता है, मैंने वो ध्यान दिया नहीं। और वैसे टेस्ट में बहुत अच्छे थे। आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से सब्जियां डाल डाल कर चीले में बनाकर उनको खिला सकते हैं। वैसे तो वो सब्जी खाते नहीं, लेकिन इस तरीके से वो ज़रूर खा लेंगे। फाइनली मेरी सिलाई मशीन सही होकर आ गई और घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई हूँ मशीन पे, मतलब सिलाई करने। सबसे पहले मैंने बनाई कान्हा जी की ड्रेस, और ये जो ड्रेस बनाई है मैंने, इतनी सुंदर ड्रेस बनी है और बहुत ही सरल तरीके से बनाती हूँ और जल्दी भी बन जाती है। और ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने और बस उसी पर मैं ये लेस लगा रही हूँ, जो कि गोटा पट्टी बोलते हैं वही लेस है ये। तो आप बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी कान्हा जी की। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी और इस तरीके से ये पूरी ड्रेस बन गई है मैंने इसको। तो आप बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और अगर आपको भी इस तरीके से बनानी है, बहुत ही सरल तरीका है बनाने का। तो अगर आपको बनानी है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको पूरा डिटेल में इसको बनाकर दिखाऊंगी। ज़्यादातर मैं कान्हा जी की ड्रेस खुद ही सिलती हूँ क्योंकि मुझे उस तरीके से यहाँ पे मिलती नहीं है। यहाँ ज़्यादा मतलब वैरायटी नहीं रखते हैं मार्केट में कान्हा जी की ड्रेस की, और जैसी हमें चाहिए वैसी यहाँ नहीं मिलती है, इसलिए बहुत कम से लाते हैं। और ये कुर्सी जो देख रहे हो आप अभी लेके आए हैं, तो इसकी जो सीट है वो मतलब डर है कि कहीं बच्चे उसमें कटर वटर ना चला दें या उसको कट लग जाएगा तो वो कुर्सी किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये किट्टू की अलमारी लेके आए थे हम, तो उसका जो ख़राब हो गई थी तो उसको मैंने निकाल दिए थे, और ये कपड़ा मैंने संभाल के रख लिया था क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था। इस पर कार्टून वार्टून बने हुए थे और पूरा सिला सिलाया, मतलब अंदर फोम भी लगा है, अस्तर भी लगा है, पूरा कपड़ा ऐसा था। तो मैंने इसको रख लिया था कि कुछ भी मैं बना लूँगी। वैसे तो बैग बनाने के लिए रखा था, लेकिन अभी मेरे को याद आया तो मैं यहाँ कुर्सी का कवर बना रही हूँ, दोनों साइड, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। मैंने कुर्सी की नाप ले ली थी और बस इस तरीके से इसको चौकोर काट लूँगी, और तीनों साइड से चार साइड नहीं, तीन साइड सिलाई लगानी, एक साइड खुला रखना है क्योंकि फिर उसको ऊपर से पहनाने के लिए। तो ये ऊपर का साइड हो गया और ये नीचे सीट की हो जाएगी। तो ये मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसमें तीनों साइड सिलाई लगा दूँगी, सिंपल सा है। और ये उसको जब मैंने कुर्सी को पहनाया तो अच्छा भी लग रहा था। हम पुरानी चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। और ये कपड़ा देखिए मेरे को, मैंने इसको ये जो कार्टून बनाया ना, इसके लिए मैंने इसको रख लिया था, वरना मैं भी फेंक देती। तो देखिए ये आज काम आ गया, और किसने सोचा था कि इसके लिए ही मैंने इसको संभाल के रखा है। और आपको कैसी लग रही है देखिए कुर्सी, कितनी सुंदर लग रही है ना। और ये नीचे जो शीट बनाई है इस पर मैंने चारों तरफ सिलाई लगा कर उसमें इलास्टिक डाल दिया रबड़, और उसको सीट को पहना दिया। और फिर बाद में मैंने मम्मी की साड़ियाँ तैयार करी, इनके पल्ले पिको किए, तो मुझे ऑर्डर भी आने लगे हैं, लेकिन इनके पैसे नहीं मिलेंगे मेरे को क्योंकि ये घर की ही है ना। तो बस जो साड़ियाँ थी तीन चार वो तैयार करी हैं, अब इनके ब्लाउज भी सिलने हैं मेरे को, छः सात ब्लाउज इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सिलूँगी धीरे धीरे करके। और क्योंकि घर में भी काम होता है तो वो काम निपटाने के बाद ही मैं सिलाई पर बैठूँगी।
फिर शाम को बनाई थी मैंने हल्का फुल्का भोजन, रोटी सब्जी तो बनाई थी, साथ में मैंने दलिया भी बनाया था नमकीन, और मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये नमकीन बनाया। तो आज का ये मेरा व्लॉग था छोटा सा, आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।